नासिर भाई नहीं, मैं फिरोज भाई को बुला रहा था। नासिर भाई, फिरोज भाई आप भी आ जाएं। और विनय भाई, विनय साहब आप भी आ जाएं। और कोई बाकी किसी को मिस तो नहीं किया मैंने? वीआईपी है यार, थोड़ा पिछू पिछू धारा हल्ले। निखिल सचदेवा सर, निखिल सचदेवा रोडीज वाले हमारे हैं यहाँ पे, तो मैं जाऊंगे निखिल सचदेवा आप ही आ जाए। हाँ, थोड़ा स्टेज पे तारक मेहता का उल्टा चश्मा सेमी सर्कल बनाइए, सेमी सर्कल, तारक मेहता का उल्टा चश्मा सेमी सर्कल। बहुत मुबारकबाद रजोरा एंटरटेनमेंट को। और ये तो बच्चन बच्चन बोल रहे थे भाई, बच्चन हाँ हाँ रमजान, आपको बच्चन बोल रहे थे, मेरे को लग रहा था अभी वहां से निकल कर आए इधर जा रहे हैं, लेकिन ये गरीबों का बच्चन हमारे वहां से कोई बात नहीं, लेकिन ये बच्चन के लिए जोरदार थालियां हो जाए भाई। अब जो करवाना करवा लीजिए, बहुत मेरा हम नाम बोल रहे थे, एके रहमान भी है, रहमान आ गया है ना। फिरोज भाई मुझसे बोल रहे थे तू कैसा खान है, देखो खान तो फिरोज खान है, ये मैं भी खान हूँ। किसी ने बोला तू कैसा खान है, तेरे को देखिए खान वाली फीलिंग नहीं आती। बोला खान मतलब शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, सैफ अली खान, तू कैसा खान है। बोला भाई जब कपूरों में तुषार कपूर हो सकता है। मेरा जो कभी कभी इंशाल्लाह दो दिन के बाद भी समझ में आते, घर जाओ शहरी के बाद आएगा समझ में। तो बहुत अच्छा बोला आपने, रहमान इतना टैलेंटेड है यार, एक रहमान का टैलेंट देख लिया दूसरे का तो देखना था, है कि नहीं? और थोड़ा सा पीछे पीछे हो जाए, थोड़ा सा पीछे। सामरी भाई, मैं चाहूंगा कि आप आ जाए, हमारे सामरी भाई आ जाए सर, दोनों आ जाए बीच में आ जाए, और सर बिल्कुल आप यहाँ पे आ जाए सेंटर में आ जाए, ये हमारा फोटोग्राफ की रिक्वेस्ट है। हाँ जी, करण भाई और बच्चन साहब यहाँ पे आ जाए, और ये सेंटर है, थोड़ा सेंटर शिफ्ट हो गया है। अच्छा मैं सर मेरी बात सुनो, मैं डायरेक्ट करता हूँ, आप दोनों यहाँ पे आए, तो आपके बाजू में खड़े हो सर, आप मतलब आप आ जाओ सर। हाँ, अब ये जो काले लिबास में जो दो परियां खड़ी है, आप इधर आ जाओ। हाँ मृणाल, मृणाल प्लीज बीच में आ जाओ यहाँ पे, और सर बैलेंस करने के लिए बहुत काला इधर हो गया, एक इधर आ जाओ सर इधर। ऑलराइट, हाँ जी ओके, हाँ जो आगे आगे क्या मेरे भाई, अरे आपको सामने लेके आ रहे थे हम लोग। अच्छा एक अनवेलिंग कर लेते हैं, आप आ जाए प्लीज विशाल, आ जाए विशाल, एक बार जोरदार तालियां, लेडीज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन गली बाय रजोरा एंटरटेनमेंट। रोज साहब को बुलाओ ना यार, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, आज इतना ग्रैंड फंक्शन कर रहे हैं आप, जहाँ पे रजोरा एंटरटेनमेंट का लॉन्च है, प्लस म्यूजिकल वर्टिकल जो आप स्टार्ट कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये हमारा ना बस है, और हम चाहते हैं कि कुछ में इसमें हमने जो भी अभी तक बना के सोचा है कि जो सबके साथ में बड़ी इनका अपना है सब कुछ, और विनय जी के लिरिक्स लिखे हुए हैं इसमें, और अपना ख्वाजा जी के इसमें आपका पेश किया है सब कुछ, और ईद का एक माहौल है तो उसकी वजह से हमने ये लॉन्च करने का और ये प्रोग्राम करने का एक अभ्यास किया है इसमें। स्पेशल की बात करें तो हमारी कुछ थीम्स हैं कुछ, जो कि सबसे डिफरेंट है, हम चाहते हैं जो भी हो वो डिफरेंट तरीके से हो, जैसे कि आपने यहाँ देखा होगा दीका पाली के साथ में और भी हमने बहुत सारे फीचर्स यूज़ किए हैं जो कि इनके और अपने होते होते उसकी वजह से हमने यूज़ किया, और हम चाहते हैं कि आगे आते हैं टाइम पे हम और भी जो भी जितने भी हम वो बनाएंगे अपने प्रोजेक्ट हैं उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंट लेकर के आएंगे, और एक पब्लिक और एक मीडिया को और एक टीवी चैनल को हम एक अच्छा नाम देना चाहते हैं। आपकी बहुत सारी
वेब सीरीज भी आ रही है या एक हमारी इसके बाद में एक वेब सीरीज और है उसमें वो भी अभी जल्दी में आने वाली है तो उसको भी हमने किया है उसमें भी कुछ बेटर ही मिलेगा आपको देखने के लिए उसको देखने के लिए उसमें उसके जो स्टार कास्ट हैं आपके उसमें अपना मृणाल जैन है और अपने सोनम अरोरा हैं पूर्वी सिंह हैं और कास्ट हैं विक्रम कोचर हैं उसमें एक अपने उनको लेकर के अनुपम और अनुपम खेर जी के साथ में उनका एक हमारी मूवी है जो थिएटर का हम यूज़ कर रहे हैं उसको वो उसमें अनुपम खेर जी के साथ में है और एक वो थोड़ा सा कंट्रोवर्सल है और बट बेटर है सबको देखने में मज़ा आएगा थिएटर में जा कर के नहीं हमने पहले बनाया हमारा हमने पहले बोला कि हमारा जो रजत एंटरटेनमेंट है वो कुछ डिफरेंट ही करना चाहता है तो डिफरेंट करने का मकसद ही हमारा ये था कि हम एक बार बजट बना करके एक सब कुछ इकट्ठा कर करके एक एक करके फिर उसको रिलीज करते हो जाए जिससे कि हमारा रजत एंटरटेनमेंट और प्लस पब्लिक को पब्लिक जो भी अपनी मीडिया है और अपना टीवी चैनल है उनमें एंटरटेनमेंट का तड़का लगता है। बात की जाए जो अपनी आ रही है आज हम पूरा ईद का माहौल भी देख रहे हैं आपने इफ्तार पार्टी भी रखी है इतना ग्रैंड फंक्शन रखा है ये गाने में जिसमें सारा खान है और मृणाल जैन है और अजमेर में आपने जैसे आपके ब्रदर्स के साथ पहले उसके बारे में बताइए सर थोड़ा सा आप इतना ब्यूटीफुल गाया आपने इतनी दिल को छूने वाली कवाली है जो आपकी स्पेशलिटी रजोड़ा एंटरटेनमेंट के साथ जुड़कर म्यूजिक वर्टिकल जो आप लॉन्च करें आपके गाने से उसके लिए क्या कहना चाहिए। इसके लिए कहना क्या है कि सबसे अहम बात जो है वो ये है कि जिस कवाली को हमने गाया है और जिस कवाली जिनके लिए है वो हमारे हिंदुस्तान के क्या पूरी दुनिया के एक मायनाज वली हैं जिनको कहा जाता है ख्वाजा गरीब नवाज़। अब जिस चीज़ में एक वली का नाम आ जाए जिक्र आ जाए तो इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं अल्लाह की ज़ात से कि वो अल्लाह ने चाह कामयाब होगी और हमने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मेहनत की है इसमें हमने भी और हमारी टीम ने जो उसके प्रोड्यूसर हैं डायरेक्टर हैं हम सभी लोगों ने मिलके इसमें काफ़ी मेहनत की है और बाकी आपने सुन भी लिया है देख भी लिया है इंशाल्लाह और अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि ये अजमेर की गली इंशाल्लाह गली गली में बजेगा। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस तो ये है कि हमारा पुराना है कोई नया तो है नहीं है समझे 40 साल से हम लोग यही काम कर रहे हैं लेकिन इस कवाली में एक नयापन आया है जिसमें कि जो कुछ एक्टर जो हैं सारा खान है और दूसरे एक्टर जो हैं मैं समझता हूँ शायद पहली बार इस अंदाज़ की कवाली आ रही है कि जिसमें सीरियल के एक्टर हमारे साथ हैं इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगेगा लोग बहुत पसंद करेंगे अंदर चाहत नहीं वो तो सुनाएंगे आपको जरूर खुशी से तो आए हम लोग या ख्वाजा मेरी लो तो फकत तुमसे लगी है या ख्वाजा मेरी लो तो फकत तुमसे लगी है अजमेर की गली मेरे मुर्शिद की गली है अजमेर की गली मेरे मुर्शिद की गली है उस दर से क्या बताऊं कि क्या क्या मिला मुझे उस दर से क्या बताऊं कि क्या क्या मिला मुझे बस इतना समझ लो बस इतना समझ लो मेरी तकदीर जगी है बस इतना समझ लो मेरी तकदीर जगी है बस इतना समझ लो मेरी तकदीर जगी है। इंशाल्लाह सबकी तकदीर जगेगी जो सुनेगा उनकी भी जगेगी इंशाल्लाह हर मुंह पे ये जुमला होगा अल्लाह ने चाहा हर आदमी ये कहता मिलेगा कि मैं अजमेर जाता मेरी तकदीर जगी है। और बहुत अच्छा लग रहा है ब्लैक एंड व्हाइट नहीं ये पहले सोचा हुआ था कि ये क्या पहनेंगे और हम क्या नहीं 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 ये दिल मिले हमारे तुम्हारे जी जी अजमेर में
अजमेर में बहुत अच्छा, हमारा वहाँ के जो सपनों की थी सबसे, और ख्वाजा के अजमेर साहब के वहाँ पे जाकर के हमने शूट किया इसको, बहुत ही ब्यूटीफुल था और बहुत ही अच्छा मतलब वहाँ का लगा। हम चाहते कि आने वाले टाइम में हम कुछ ना कुछ वहाँ के लिए करते रहें। विनय जी का, विनय जी ने जैसा भी बताया था कि विनय जी का अभी सब चीज़ों में आप देखता होगा वो डिफरेंट वे में जाना चाहते थे, वो डिफरेंट वे से करके आकर के वहाँ पे, वो वहाँ पे गए अजमेर, गए अजमेर में जाकर के दरगाह से बैठकर के उन्होंने कुछ उनके चंद पंक्तियाँ लिखी जो कि हमने बना के दिए हैं उनको, और हमें उन्होंने डिफेंस किया कि हम बना के दें। ये हमारे विनय भाई हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा लिखा आपने मेरे भाई, वेरी गुड। आपने उसे चार चांद लगा दिया। अरे देखिए, जब ये लिखा जा रहा था तो मैं उस समय दरगाह में ही था, और आँखें बंद करने के बाद जहाँ उंगली चलते गई वो चीज़ उसमें आती गई। ऐसा मैं कोई प्रोफेशनल राइटर या फिर लिरिक्स नहीं, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। हम लोग हमेशा दरगाह जाते हैं, बाबा से दुआएं मांगते हैं कि देश में अमन शांति बनी रहे। उसी फ्लो में एक लगाव है अलग तरीके से दरगाह से, बस वहीं बैठे बैठे चीज़ें लिख गई। ये हमारे बहुत प्रिय मित्र हैं, इनको मैंने जब दिया कि देखिए आपके कुछ काम आ सकता है, तो और इन्होंने इतना खूबसूरत, इन्होंने बताया नहीं कि किस लेवल पे ले जा रहे हैं, लेकिन जब सर का नाम आया तब देखा मैंने वीडियो, तो मैं बोला इससे बेहतर हो ही नहीं सकता था जिस तरह से बनाया गया है। और कहीं ना कहीं इसमें बाबा का आशीर्वाद है, आवाज़ से लेके बनाने से लेके जो एक इंटेंशन था बहुत खूबसूरती से निखारा गया, उसके लिए पूरी टीम का मैं पर्सनली धन्यवाद करूँगा। एक छोटे से शब्द को कितना करामात, कितनी खूबसूरती के साथ देश के दिलों में बिठाया जाता है, उसका अद्भुत उदाहरण यहाँ पे देखा। हमारा ये था कि हमने स्टार्टिंग करें तो कुछ ऐसे ऐसे करें जहाँ पे हमारे ऊपर क्या पूरे देश के ऊपर सबका उसका हाथ है, तो उसी चीज़ को देखते हुए हमने वहाँ से स्टार्ट किया, अजमेर से स्टार्ट किया, और अजमेर से अब्दुल करीम ख्वाजा जी के स्टार्ट किया। तो हम इसी चीज़ के लिए स्टार्ट करना चाहते थे कि मतलब कि सब बनाती है जो आपकी रोमांटिक है, और ये सब चीज़ें बन रही हैं, आज की चीज़ें चल रहा है, सबके नए नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, पर हमारा जो आया हमने डिफरेंट करा, इसलिए डिफरेंट करना का चाहा कि हम पे सदैव उनका हाथ बना रहे हैं। असल थोड़ा सा कवाली का ट्रैक चेंज कर दिया है इंडस्ट्री ने, क्योंकि कवाली नेशनल कवाली जो है वो तो आप जानते हो, आपने सुना भी है, लेकिन आज के थोड़ा सा ऑडियंस को मद्देनजर रखते हुए डायरेक्टर ने, म्यूजिक डायरेक्टर ने थोड़ा सा कवाली के अंदर थोड़ा सा चेंजिंग पैदा किया है, तो वो फिर उसको भी पब्लिक लाइक कर रही है, पसंद कर रही है और अच्छा है। इसी बात पे आपकी बात पे मुझे याद आ गया कि जो आप हमारी कवाली है आपने सुनी होगी, वो भी कवाली है, सुपर डुपर हिट कवाली फिल्म मैं हूं ना की शाहरुख खान की। अब उसका क्या एंट्री है, क्या इंट्रो है, आपने देखा ही है, आज तक उसको 17-18 साल हो गए, आज भी लोग लाइक करते हैं। तो अन्नू जी ने उसमें बहुत मेहनत करी, एक नया अंदाज पेश किया, तो लोगों ने उसको लाइक किया। तो एक लफ्ज़ कवाली जो है वो अपनी जगह बादस्तूर है और रहेगा, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान का कल्चर है कवाली जो है, वो कल्चर से बाहर नहीं जाएगी। डिफरेंट टाइप के म्यूजिक आएंगे जो कि सबको ही और सबको ही प्यारे लगेंगे, अच्छे लगेंगे सबको, तो हम उसी टाइप के जब जो ट्रेनिंग चल रहे हैं उसी टाइप के म्यूजिक। मैं एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा रजौरा म्यूजिक के बारे में, जब मैं करण भाई से बात कर रहा था, प्लीज़ यू नो एक पर्टिकुलर जॉनरे पे फोकस नहीं कर रहे,
they've got everything. Yani aap commercial music ke bare mein bhi soch rahe hain, they're thinking about ghazal, qawwali, and aaj kal jo naya generation hai, young generation hai, us pe bhi target kar rahe hain. To I think ye Bachchan bhai aur Karan bhai ki jodi itni pyari hai ki wo dono ek dusre se apne ideas exchange karte hain aur samne wo aata hai jo public pasand karna chahte hain. So agar aap soch rahe hain ki nayi music kaisi hone wali hai, so ye aap soch bhi nahi sakte ki what all they're working on. So rap se lekar commercial music se lekar everything which the audience wants, mere khayal se Arjora entertainment ka hai. ऑडियंस के लिए और सभी टीवी में जो भी देखने वाले हैं उन सबके लिए एक ही है कि हमारी चीज़ें आती रहेंगी और हमें उतना ही प्यार मिलता है, प्यार मिला है आशिका आने वाला है, जिसके बाद आशिका ना करें. जी हाँ, सबसे पहले तो नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम. मैं संगीतकार दिलीप सेन और आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आज राजौरी का जो ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से जो कैसेट रिलीज हुआ है अजमेर की गली में, बहुत ही प्यारा एल्बम है और इसके जो सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर हैं साबरी ब्रदर्स, इन्होंने बहुत ही अच्छा कंपोज किया और बहुत ही अच्छा गाया. प्लस जितने भी बच्चों ने इसमें दोनों ने हीरो हीरोइन ने काम किया वो भी बहुत अच्छा. और एक नया मतलब एक काम शुरू हुआ है, नई कंपनी शुरू हुई है, तो हमारी तरफ से इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके माध्यम से सभी लोगों को, पूरी तमाम दुनिया को रमज़ान के रोज़े की बहुत बहुत मुबारक. नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम. सुशांत जी, आप क्या कहना चाहेंगे आज एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन हाउस एंड म्यूजिक कंपनी के लॉन्च पे आए हैं? हाँ, बिफोर इनफैक्ट आई से एनीथिंग ऑन राजौरी एंटरटेनमेंट एंड you know the music that Sabri brothers have created, let me first tell you I am personally a big fan of the phenomenal music that you have created yourself in the past. So I'm looking forward to a lot of you know good work in the coming future. But yes, now coming back to this special occasion, you know, iftari ke din hum ek khoobsurat bahut hi auspicious din ek presentation kar rahe hain. I wish Rajouri Entertainment and Sabri Brothers obviously you know all the best on this beautiful, blessed, auspicious occasion of iftari. May God bless. Thank you. Entertainment का आज सॉन्ग लॉन्च हुआ है, फर्स्ट सॉन्ग लॉन्च अजमेर की गली. व्हाट यू वांट टू से अबाउट दैट? पहली बात तो मैं ऐसे टाइम पे आया जब गाना जिस परफॉर्मेंस स्टार्ट हो रहा था एंड आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी लकी बिकॉज मैंने एक्चुअल गाने से पहले लाइव वर्जन सुन लिया एंड गाना तो सुना ही देखा ही. बाद में मृणाल हैज डन अ फैब जॉब, सारा हैज डन अ फैब जॉब एंड द सिंगिंग, आई थिंक मैं बहुत छोटा हूँ कमेंट करने के लिए सिंगिंग पे, बट एज अ लिसनर आई रियली रियली लव्ड इट, आई रियली लव्ड इट. साथ ही रमज़ान का महीना, आप अपने फैंस को क्या विशेष देना चाहोगे? मैं आप लोग सबको रमज़ान की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद देना चाहूँगा और मेरे घर के एड्रेसेस तो मेरे फैंस के पास है, खीर भी भेजो, खीर कुरमा खाऊँगा, थोड़ा कबाब वबाब. बट नहीं, आई वॉन्ट टू विश एवरी वन ए वेरी वेरी हैप्पी रमज़ान एंड आई होप यू नो आप लोगों की सारी मनोकामना, इच्छाएँ सब पूरी हो जाए एंड आप लोग बहुत बहुत अच्छे से ये रमज़ान मनाएं. थैंक यू. अजमेर की गली सॉन्ग लॉन्च हुआ है, व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दैट? नहीं, डेफिनेटली मुबारकबाद देना चाहूँगा. जब कोई नई कंपनी इस इंडस्ट्री में आती है एंड जिस तरीके से भी इंडस्ट्री बूम हो रही है तो न्यू पीपल आर मोर देन वेलकम, बहुत शुभकामनाएं उनको. एंड ये जो एल्बम है इनका अजमेर की गली, इससे शुभ अच्छा मौका क्या हो सकता है कि रमज़ान के महीने में ऐसा एल्बम ये लेकर आएँ, तो माई बेस्ट विशेज़ टू ऑल ऑफ देम. साथ ही रमज़ान का महीना है, आप क्या कहना चाहोगे, क्या विशेष देना चाहोगे सबको? बस रमज़ान की ढेर सारी मुबारकबाद एंड भाईचारा, प्यार, अमन, लव, पीस, हैप्पीनेस फॉर ऑल. थैंक यू सो मच. सुफी सिंह गरीब नवाज से एंड दे इंटरलिंक्ड लव पीस, दैट्स ऑलवेज देयर फॉर सूफी सेंट्स एंड इट वॉज अ ग्रेट इवेंट टुडे एंड द सॉन्ग इज रियली ब्यूटिफुल. आफ्ताब हाशिम साबरी आर ऑल्सो लाइक ब्रदर्स टू अस एंड देव संग इट वेरी ब्यूटिफुली एंड बेस्ट विशेज टू ऑल ऑफ देम. वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स म्यूजिक दैट इज द बिगेस्ट रीजन आई एम हियर एंड आई एम हैप्पी कि न्यू काइंड ऑफ सॉन्ग्स और जिस तरह हम पुराने तरह के म्यूज़िक को ज़िंदा रख पा रहे हैं, दैट इज़ गुड बिकॉज नए में हम पुराने को खोते जा रहे हैं.
एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड रियल म्यूजिक रियल इंस्ट्रूमेंट. यहाँ बैठ के मुझे इतना जिंदा दिल फील हुआ बिकॉज एवरी इंस्ट्रूमेंट वॉज लाइव. हर इंस्ट्रूमेंट को फील किया जा सकता था. सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर. थैंक यू.